श्री राधे। मैं आचार्य प्रसून कौशल, एस्ट्रोलॉजर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी प्रिय दर्शकों का एवं सभी श्रोताओं का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज है 25 फरवरी, गुरु पुष्य नक्षत्र गुरुवार। बहुत ही सुंदर संयोग माना गया है। कहते हैं कि नक्षत्रों का राजा होता है पुष्य नक्षत्र, और यदि रवि पुष्य पड़ जाए, गुरु पुष्य पड़ जाए तो बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन आप कोई भी कार्य करिए, कोई भी धार्मिक कार्य करिए, आप कोई भी सामान लेके आइए, किसी चीज का उद्घाटन करिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके लिए अति उत्तम क्या सर्वोत्तम रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और आज का मैं जो आपको प्रयोग बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज गुरुवार है, गुरु पुष्य नक्षत्र है, इतना शुभ संयोग है, तो आपको आज क्या क्या करना चाहिए। आज आपको पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। पीले वस्त्रों को धारण करिए, पीली वस्तु का भगवान को भोग लगाइए, केसर के दूध का भोग लगाइए, आप पीली मिठाई का भोग लगाइए, पीले वस्तुओं का दान गरीबों को करिए, पीली मिठाई का दान आप गरीबों को करिए, शहद का दान करिए। इससे क्या होगा, आपका भाग्य चमकेगा, बहुत सुंदर रहेगा। क्योंकि बहुत से लोगों का ऐसा भाग्य सोया हुआ है, कि जगने का नाम ही नहीं ले रहा है, जगना ही नहीं चाहता। कहते नहीं कि मेरा तो ऐसा भाग्य सो गया, अब जगने का नाम ही नहीं ले रहा और जगना ही नहीं चाहता। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसा क्या होता है हमारी कुंडली में कि हमारा भाग्य सो जाता है, भाग्य साथ नहीं देता। हम कर्म तो बहुत कर्म करते हैं पर भाग्य साथ नहीं देता। ऐसे कौन से कारण है, सबसे पहले मैं आपको कारण बता देता हूं। देखिए होता क्या, हमारी कुंडली में जो नौवां भाव है उसे बोलते हैं भाग्य भाव, और भाग्य भाव का जो मालिक होता है उसे बोलते हैं भाग्येश। तो भाग्य स्थान में बैठे हुए ग्रह और भाग्येश जो आपके भाग्य का स्वामी है उसको हम देखते हैं। यदि आपके भाग्य का स्वामी 6-12 में चला गया है तो आपका भाग्य आपको बहुत कम साथ देगा। आपके भाग्य का स्वामी अस्त हो गया तो आपका भाग्य साथ नहीं देगा। आपके भाग्य का स्वामी नीच राशि में जाकर के बैठ गया तब भी आपका भाग्य साथ नहीं देगा। आपके भाग्य का स्वामी शत्रु राशि के तहत कम अंश का है फिर भी आपका भाग्य साथ नहीं देगा। इतने सारे कारण बनते हैं। भाग्येश यदि अस्त व्यस्त है, यदि नौम भाव में शत्रु राशि कोई या कोई गलत ग्रह आकर के बैठ गया है तो आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी कुंडली एक बार अवश्य एनालाइज करवानी चाहिए। कहीं आप सब कुछ कर रहे हैं, खूब कर्म कर रहे हैं पर फिर भी आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, भाग ऐसा सो गया है कि जगने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसलिए अपनी कुंडली अवश्य एनालाइज कराइए। जब आप अपनी कुंडली एनालाइज करवाएंगे तो पता चल जाएगा कि क्या कारण बन रहे हैं आपकी कुंडली में जो आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। ऐसे कहते नहीं है कि हम जाते हैं जब हमारे शरीर में कोई बीमारी होती है तो पूरी बॉडी की जांच कराते हैं, पूरी बॉडी की जांच होती है, खून की, पेशाब की, इधर की, उधर की, सारी न्यूरोलॉजी, पैथोलॉजी, जाने कितनी प्रकार की जांचें होती हैं, सारी जांचें हम करा लेते हैं, एक्सरे वगैरह सब कुछ कराते हैं। ऐसे ही हमारी जो जीवन की दशा है एक ऐसे चलती कुंडली के आधार पर। 5 प्रकार की दशा होती है, महादशा, अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा। इन्हीं 5 दशाएं हमारे जीवन को चलाती हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपनी कुंडली एक बार अवश्य एनालाइज अवश्य करवाए। आज का मैं जो उपाय बताने जा रहा हूं, ये जो मैंने पहले आपको छोटे छोटे उपाय बताए वो तो आज आपको करने ही है, एक जो आपको उपाय बताने जा रहा हूं जो आपके भाग को चमका देगा इसको भी आपको अवश्य करना है। देखिए आपको करना क्या है, आपके रसोई में होगा एक चने का दाल। चने की दाल सबको पसंद है, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है चने की दाल। तो चने की दाल का डिब्बा, जिस डिब्बे में आप चने की दाल रखते हो उस डिब्बे में आज आपको क्या करना है, 3 खड़ी हल्दी, हल्दी जाते हैं, हल्दी जो मसाले में प्रयोग में आती है, 3 खड़ी हल्दी आपको चने की दाल के डिब्बे में डाल देनी है। 3 खड़ी हल्दी आप चने के डिब्बे में डाल दीजिए। हल्दी क्या है, पीली, और गुरुवार आप जानते हैं पीले ही वस्त्र दान करने हैं, पीली मिठाई दान करनी है, पीले ही वस्त्रों को धारण करना है, गुरु पुष्य नक्षत्र। इससे क्या होगा, आपका गुरु सुधर जाएगा, गुरु ग्रह सुधर जाएगा। गुरु ग्रह पति कारक होता है, पुत्र कारक होता है, धर्म का कारक होता है, धन का कारक होता है। जब आपके गुरु ग्रह मजबूत हो जाएंगे तो आपको धन भी मिलेगा और सब प्रकार के सुख मिलेंगे। तो आपको क्या करना, चने की दाल के डिब्बे में 3 हल्दी की गांठों को डाल देना, आप देखिएगा कुछ दिन बाद ऐसा आपका भाग चमकेगा कि आपने अभी तक ऐसा सोचा नहीं होगा। और यदि आपके जीवन में और भी कोई समस्याएं आ रही है, और भी कोई परेशानी आ रही है तो मुझे बताइए, मुझे कॉल करिए, क्योंकि आप मेरे सभी फैमिली मेंबर्स हैं। आपका दुख मेरा दुख है और आपका सुख भी मेरा सुख है, इसलिए मैं चाहता हूं आप हमेशा आनंद में रहें, स्वस्थ रहें, खुशी रहें। राधे राधे।